वेलकम टू इन हाउस रेसिपीज फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, तो देखते हैं सूजी का हलवा कैसे बनता है। हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सूजी, जो कि हमने लिए एक कटोरी, देसी घी जो कि अभी मेल्ट नहीं हुआ है, जब ये पिघल जाएगा तो ये एक कटोरी आराम से बन जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है एक कटोरी से। चीनी जो कि आप स्वादानुसार ले सकते हैं, मैंने पौना कटोरी ली है और इसमें आप एक कटोरी भी डाल सकते हैं, जितनी आप सूजी लें उतनी। आप अगर मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक कटोरी उतनी ही सेम क्वांटिटी में सूजी की ले सकते हैं। चीनी, पानी जो कि हम चाशनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने लिया है 6 कप, 1 टेबलस्पून हम लेंगे किशमिश और 1 टेबलस्पून बादाम लेंगे, जिन्हें हम बारीक बारीक काट लेंगे। पहले हम कढ़ाई में देसी घी डालकर उसे गरम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वो मेल्ट हो गया है और इसके गरम हो जाने पर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। हम इसे तब तक हिलाकर चलाकर पकाएंगे जब तक कि जो हमारी सूजी है वो वाइट से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आप डार्क खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा डार्क ब्राउन कर सकते हैं, अदरवाइज लाइट ब्राउन भी खाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि सूजी यहाँ पक रही है, उसके साथ ही साथ हम दूसरी गैस पर अपना पानी जो है वो हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पानी थोड़ा बॉयल हो गया है, थोड़ा सा उसमें बबल्स आ गए हैं, तो अब हम इसमें अपनी शुगर ऐड कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए पानी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सूजी जो है वो डार्क ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपनी किशमिश और बादाम जो है वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना पानी जो है चाशनी को ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे साथ ही साथ। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी सारा सूख ना जाए। हम अपने हलवे को चलाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से सारे में जो है वो सूजी जो हमारी है वो अच्छे से फूल जाए और अच्छे से हलवा पक जाए। हलवे का सारा पानी सूख चुका है और हमारा हलवा तैयार है। जैसा कि हलवे ने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है इजीली, आप देख रहे हैं। तो अब इसे खाएं और इसका आनंद लें। थैंक यू।